वैसे तो प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लाख कोशिश कर रही है, लेकिन जब उनके इस नुमाइंदे ही भ्रष्टाचार करने की कोशिश करे तो उन्हें रोकने वाला आखिर कौन होगा। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के आगरा रोड पर देखने को मिला, जहां शहर को चकाचौंध करने वाली पोल पर लगी स्ट्रीट लाइट नगर पालिका द्वारा महंगी स्ट्रीट लाइट को बदलकर सस्ते दामों वाली लगाई जा रही थी, जिसकी भनक सदर विधायक को क्या लगी। उन्होंने इन लाइटों को उतारे जाने का कड़ा विरोध करते हुए उन्हें रोक दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि जितनी भी लाइटें उतारी गई हैं, उनकी भी जिलाधिकारी से कहकर निष्पक्ष जांच कराएंगे और दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आगरा मंडल में जनपद मैनपुरी एक पहला ऐसा शहर है जहां समाजवादी पार्टी के विधायक राजकुमार यादव की मांग पर सपा सरकार ने पूरे शहर की 54 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाकर चकाचौंध कर दिया था। बताया जा रहा है कि प्रत्येक पोल पर लगी अच्छी कंपनी की लाइट जिसकी कीमत 50,000 रुपए है, शहर में सैकड़ों की मात्रा में इस प्रकार की लाइटें लगाई गई थी, जिनमें कई लाइट जो स्वचालित नहीं है क्योंकि उनके ड्राइवर खराब हो गए हैं, जिन्हें बदलवाने के लिए नगर पालिका उन्हें उतरवा रही है और लोकल कंपनी की लाइट लगवा रही है जिसकी कीमत 2 से 5 हजार रुपए तक की है। नपा इस प्रकार का कार्य कर लाखों रुपए का घोटाला करना चाह रही है। विधायक ने कहा कि घोटाला करने वाले के खिलाफ शिकायत कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, अगर मांग पूरी ना हुई तो अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए जनपद मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। नगर पालिका इंस्पेक्टर महोदय खड़े हैं लाइट के, इन लोगों ने जितना घोटाला किया इसकी मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए और ये लाइट दोबारा लगनी चाहिए। क्या आप जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे इस पूरे मामले को? मैं जिलाधिकारी हूँ, 4 बार फोन कर चुका हूँ, कहीं व्यस्त है मीटिंग में, मैं अभी मिलूंगा, बात करूंगा, नहीं मानेंगे तो मैं आमरण अनशन करूंगा, आंदोलन करूंगा, लेकिन जिला नगर पालिका को लूट नहीं करने दूंगा। अगर जी ये पूरे शहर में इसी तरह से चेंज की गई तो कितने रुपए का गोलमाल दिखाई देगा? 54 करोड़ के समथिंग से ये लाइटें लगी रहेंगी शहर में, पूरे शहर में जी। अब उसमें पोल भी शामिल है, लाइट अलग है। मेरी समझ से ये लाइट 50,000 के आसपास की होगी, जाना मेरा आइडिया है एक एक, और ये मुश्किल तो होगी तो 5,000 रुपये की लाइट होगी जो लगा रहे हैं। तो ये लाइटें जो लगाई जा रही हैं किस तरह की पहले लगी हुई थी और किस तरह की लगाई जा रही हैं? ये दुनिया की जानी मानी कंपनी हैवल्स की लाइट है जी। आप इसके नंबर पर टोल फ्री नंबर पर जानकारी करिए, इसमें कुछ खराब नहीं होता है, केवल 200 रुपए का एक ड्राइवर पड़ता है। ये नगर पालिका प्रशासन यहाँ के चेयरमैन 200 रुपए का कंडक्टर नहीं लगा सकता इसमें जी। और ये कह रहा है लाइट खराब हो गई, हैवल्स कंपनी से बड़ी कोई कंपनी है कोई नहीं। और ये फर्जी लाइटें लगा रहे हैं ये, और इन लाइटों को उतार के ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये करोड़ों रुपए घोटाला कौन करवा रहा है शहर में? अच्छा ये पुराने उतार कर क्या करेंगे इनका, ये क्या लगता है? पूछिए कहाँ ले जाएंगे, इनका पेमेंट निकालेंगे दोबारा, भाई जेल जाने चाहिए सब लोग। अच्छा किस सरकार में लगी थी ये लाइट है? समाजवादी पार्टी की सरकार में लगी थी, हैवल्स की लाइट लगी थी, और ये कभी खराब नहीं होती है, इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, 2 साल की गारंटी भी थी इस लाइट की, केवल इसमें 200 रुपए कंडक्टर पड़ता है और कुछ खराब नहीं होता इसका, 200 रुपए कंडक्टर नहीं ला सकती है, लेकिन ये फर्जी पेमेंट निकालेंगे इस लाइट में, ये उतार उतार के रख रहे हैं, हैवल्स का पेमेंट होगा और वो लगाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम है सर। अच्छा ये बताइए किस पद पे तैनात हैं आप? तो ये लाइटें जो उतार रहे हो आप, जो लाइटें उतार रहे थे ये सही थी या खराब थी? खराब थी सर। सारी कौन सी कंपनी की हैं ये लाइटें? दो वाली है सर। नहीं नहीं, जो आप लाइट उतार रहे हैं वो कौन सी कंपनी की है? ये हैवल्स की। लेकिन आप लगा कौन सी कंपनी की रहे? डब्ल्यूएसएल कंपनी की। ये लोकल है कंपनी की? कंपनी है डब्ल्यूएसएल द्वारा। क्या कीमत है इसकी? क्या कीमत है? बुलाने पे आप आए? हम लोग नहीं की सर, कीमत नहीं मालूम, खरीदारी नहीं की हम लोगों ने, खरीदारी हम लोगों ने नहीं। ये किसके आदेश से लगाया ये सर? ये डब्ल्यू कंपनी आदेश किसका है इसमें? किसने आदेश दिया था लगाने का आदेश सर? तो लगाने के लिए पूरी साइकिल जो खराब है वो बदलने के लिए, जो पुरानी है वो उतारी जाएंगी और नहीं लगाई जाएंगी। तो कितनी अब तक उतार चुके हो? अब सर जो खराब होती आती उतारी करी, करीब 45 लाइट उतर चुकी है। नहीं पूरे मैनपुर? नहीं नहीं, 300 से ऊपर लाइट उतर गई, मेन रोड उतर रही सर। कहाँ किस किस रोड से उतारी है अभी तक जी सर? किस किस रोड से उतार चुके हैं? देवी रोड डाल लिया, कुछ देवी रोड से उतरी है, इसी रोड डाल लिया पूरा, जहाँ जहाँ उतर रही हूँ जो खराब हो रही हूँ उनको चेंज कर रहे हैं। कितनी लाइटें हैं? नहीं नहीं। अच्छा इसमें ये इन लाइटों को लगाने के लिए कितना बजट आया आपके पास, कोई जानकारी है? ये सर ये कंपनी द्वारा लगाई गई, वो डब्ल्यूएसएल भारत सरकार द्वारा जो है उनका। नहीं नहीं, अभी तक कितनी लाइटें आप लगा चुके हैं पूरे शहर में जी?
ये इसी जी नई लाइटें आप कितनी लगा चुके हैं पूरे शहर में? लगाते जो बताते अभी गिनती नहीं कर पाई जी। फिर कितनी लाइटें हैं, एक अमाउंट एक लाइटों का वो बताइए ना कि कितनी आप लाइटें लगा चुके हैं? 500 लाइटें जो खराब लाइटें होती हैं उनको उतार क्वांटिटी क्या है? जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.